सो आज की रेसिपी काफ़ी सिंपल है बट उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज मैं टमाटर की का चटनी बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं इसे प्यूरी करके नहीं बल्कि मैं रोस्ट करके बनाऊँगा। तो बेसिकली बिहार में काफ़ी फेमस है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये काफ़ी सिंपल है। तो आपको दो टमाटर चाहिए होंगे बड़े आकार के, आपको इसे रोस्ट करना है हाई फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक। और जब 10 मिनट हो जाए तो आपको दूसरी तरफ पलट देना है, बट अगेन आपको 10 मिनट तक नहीं पकाना है, कम से कम 6 से 7 मिनट तक ही आपको इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। ध्यान रखें कि आपको लो फ्लेम पे नहीं पकाना है इसे, अगर आप लो फ्लेम पे पकाते हो तो ये काफ़ी इसका जो अंदर का लिक्विड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो ये काफ़ी ड्राई हो जाएगा। तो पलट तो आपको हाई फ्लेम पे ही पकाना है इसे। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट हो चुका है, दोनों टमाटर को निकाल लेना है। और अगर आपके पास हरी मिर्च है, आप थोड़ा सा तीखा चाहते हो, तो एक या दो हरी मिर्च भी आप रोस्ट कर सकते हो। ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, हार्डली आपको 40 से 50 सेकेंड हाई फ्लेम पे ही आपको रोस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अदरक को भी रोस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। तो अब हरा मिर्च भी रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेना है और अब चटनी को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने टमाटर को रोस्ट किया था उसके उस ऊपर वाले स्किन को हटा लेना है। तो काफ़ी लोग स्किन के साथ ही सर्व करते हैं, तो आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप स्किन के साथ भी आप चटनी बना सकते हो। तो जब ये सारे स्किन को धीरे धीरे हटा लेना है इसे, और ये काफ़ी काफ़ी लोग टमाटर का प्यूरी बनाते हैं चटनी बनाने के लिए, तो काफ़ी लोग को आई गेस पसंद है, अब मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसे हाथ से ही मैं हल्का मैश करूँगा ताकि ये पूरा लिक्विड नहीं बन जाए। तो चटनी बनाने के लिए जो आपको चाहिए वो मस्टर्ड ऑयल आपको यूज़ करना है, थोड़ा सा हरी मिर्च, गार्लिक, अब 6 से 8 जो कली होती है आप उसको ले सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और अगर आपके पास काला नमक है जैसे ब्लैक सॉल्ट कहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स लाइक टोटली ऑप्शन, बट ये आपके टेस्ट को थोड़ा सा अच्छा कर देता है। तो अगर आपके पास है तो आप लोग प्लीज़ यूज़ कीजिए। तो जो टमाटर की चटनी होती है वो गर्म ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप कोशिश करें जब ये गर्म हो तो उसी समय आप इसे प्रिपेयर करें। तो आप फॉर्क यूज़ करें स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सडनली आप हाथ का यूज़ करें तो आपका हाथ जल जाएगा ये, जब ये आप सारा कुछ हटा लें। जो खासकर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ये चटनी बना रहे हो तो जो टमाटर का जो हेड होता है उसे आपको हटा लेना है, तो ये काफी हार्ड होता है। तो टमाटर की चटनी अब रेडी है, बस इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया का पत्ता यूज करना है, आई मीन कोरिएंडर लीव्स। तो अगर पास नहीं है तो टोटली फाइन, बट ये टेस्ट को काफी इनहेंस कर देता है। सो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और ये रोटी के साथ ज़्यादा बेटर लगता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कैसा बना। थैंक यू सो मच।